हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस जो है इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और अगर हमें ये देखना है कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करना होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जो है ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करते हैं और फिर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले है स्क्लेरा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये है आई बॉल। ठीक है, स्क्लेरा जो है उसका एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। स्क्लेरा यहाँ तक होता है, ये पोर्शन जो है वो ऐसा पोर्शन जो है, दिस इज स्क्लेरा। इट इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई विच प्रोटेक्ट्स द आई बॉल। ठीक है, सेकेंड है प्यूपिल। प्यूपिल हमारी आंखों में जो सेंटर में ब्लैक वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। इट इज़ द ब्लैक होल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आयरिस ऑफ द आई दैट अलाउज द लाइट टू स्ट्राइक्स द रेटिना। तो प्यूपिल से लाइट एंटर होके रेटिना पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, इसलिए जो है प्यूपिल ब्लैक कलर का होता है, वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आयरिस, आयरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। अलग अलग इंसानों की, ज़्यादातर लोगों की आंखें ब्लैक होती है, पर कुछ लोगों की ब्राउन होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, तो वो आयरिस के अलग अलग कलर की वजह से उनकी आंखें जो है डिफरेंट कलर्स की होती है। ठीक है, और इट कंट्रोल्स हाउ मच लाइट एंटर्स द आईज बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल का साइज जो है वो छोटा बड़ा करके लाइट कितनी एंटर करेगी अंदर, वो आयरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, थर्ड द कोरोना, सॉरी सॉरी मौसम चल रहा है ना, क्या करें। द कॉर्निया अ क्लियर विंडो एट द फ्रंट ऑफ द आई, ये कॉर्निया है। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, अगर सोचो यहाँ पे कोरोना होता तो। खैर, कॉर्निया एट द फ्रंट ऑफ द आई, ये यूं समझ लो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन रहा है आयरिस और प्यूपिल के लिए। ठीक है, तो ये कवर कर रहा है इनको। उसके बाद है लेंस। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो लेंस है, हमें लेंस से ही ज़्यादा लेना देना है। ठीक है, लेंस और उसकी जो स्क्रीन है पीछे, दैट इज़ रेटिना, उससे लेना देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आँख में एक लेंस होता है जो नॉर्मल कैमरा लेंस की तरह काम कर रहा है। इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फोकसिंग लाइट ऑन टू द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। तो यहाँ पे जो रेटिना है उसके ऊपर लाइट को फोकस करने का काम ये लेंस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेटिना। तो रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग एट द बैक ऑफ द आई। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रेड कलर का लाइनिंग जो आपको दिख रहा है, इसे हम लोग रेटिना कहते हैं। 10 लेयर्स ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर टू डिटेक्ट द लाइट एंड टर्न इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड टू द ब्रेन। तो जो भी लाइट एंटर कर रही है, रेटिना पे गिर रही है, उसके वजह से इमेज फॉर्म हो रहा है, वो इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक पहुंचते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हाँ सामने ऑब्जेक्ट ये है वो है। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली ह्यूमन आई के बारे में। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, किस तरीके से ह्यूमन आई में इमेज फॉर्म होती है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो जानने की बात है वो ही है, दैट इज डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो अगर ये लेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप कंसिडर भी करोगे तो ये 2 सेंटीमीटर जितना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस डिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहा हूँ और ये लेंस है
और ये स्क्रीन है या ये रेटिना है कह सकते हो, और इमेज यहाँ पे ही फॉर्म होने वाली है। तो दिस डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है लेंस से सामने की तरफ है। नॉर्मल जैसे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन होता है वैसे ही होता है, एक रे सीधी जा रही है और एक रे फोकस से फॉर्म होकर रेटिना पे इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्वर्टेड इमेज बनती है ह्यूमन आई में, और जब यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होके ब्रेन तक पहुँचती है, तो ब्रेन को जो सिग्नल पहुँचता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है। ब्रेन को सिग्नल पहुँचता है कि इमेज जो है दैट इज इरेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रेटिना पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है दैट इज इन्वर्टेड। उसी तरीके से अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो ये पॉइंट जो है वो फोकस हो जाएगा और इमेज फॉर्मेशन जो है वो रेटिना पर होगा एकदम स्मॉल साइज। यहाँ पे आप इसे भी देख सकते हो कि ये एक ट्री है, और अगर ये ट्री बहुत दूर है तो हमें जो है छोटा इमेज नज़र आएगा, मतलब इसका इमेज जो है वो छोटा होगा तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ट्री जो है वो छोटा है अगर बहुत दूर है तो रेज जो है वो पैरेलल आती है और इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसको आप दोनों के लिए समझ सकते हो बच्चों, एक अगर ट्री बहुत ज़्यादा दूर है उसके लिए भी ले सकते हो और एक ट्री नज़दीक है उसके लिए भी ले सकते हो। दोनों ही केस में इमेज फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो ये तो था बेसिक चीज़ें कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हमारी आंखों में होती है। पर यहाँ पे जो नोट करने वाली बात यह है वो ये है कि इमेज रेटिना पे ही फॉर्म हो सकती है, इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज फिक्स्ड, इमेज डिस्टेंस जो है हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, इमेज डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर उसको हमने ले लिया है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने ले लिया है यू, कोई भी जनरल डिस्टेंस हमने यू ले लिया, और हमने लेंस फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं। तो वन अपॉन एफ इज वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, वी की जगह प्लस 2.5, इमेज इस साइड फॉर्म हो रही है तो ये पॉजिटिव, प्लस 2.5, यू हमारा नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ इस साइड होगा तो यू इज नेगेटिव तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई एफ की, ठीक है। अब हमें पता है कि किसी भी लेंस के लिए जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है दैट इज दिस, वन अपॉन एफ इज म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है। वैसे तो आई एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, पर यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज इक्वी कॉन्वेक्स है, दोनों के रेडियस जो है इक्वल है, तो इसको वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन माइनस आर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टू अपॉन आर, तो हमें एक और इक्वेशन मिलती है वन अपॉन एफ इज दिस। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमें ये रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर लेंस से ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब हमारे आई लेंस से ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है, तो अगर यू की वैल्यू बढ़ रही है, ये यू की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो घटेगी, तो हमारा एफ जो है वो बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाती है तो हमारा रेडियस जो है वो बढ़ता है, और आप देख सकते हो कि लेंस का ये जो कर्वेचर है इसका रेडियस जो है बढ़ गया। बढ़ने का, रेडियस को बढ़ाने का घटाने का काम जो है यहाँ पे ये सीलियरी मसल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये सीलियरी मसल्स जो है ये रेडियस को बढ़ाने का घटाने का काम करते हैं। पर ध्यान रहे बच्चों, जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है रेडियस उतना ज़्यादा होता है, और रेडियस ज़्यादा होगा तो लेंस जो है वो इस तरीके से हो जाएगा एकदम थिन, और आई उस समय रिलैक्स्ड स्टेट में होती है, मतलब मसल्स जो है वो एकदम रिलैक्स्ड है, ठीक है। अब हम यू को कम करेंगे, ठीक है, यू को हम धीमे धीमे कम करेंगे तो ये जो टर्म है वो बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगा तो ये ओवरऑल टर्म बढ़ेगा, फोकस फोकल लेंथ हमारा घटेगा, ठीक है, फोकल लेंथ घटेगा तो रेडियस भी घटेगा। मतलब अब रेडियस कम करना है, जैसे जैसे यू कम होगा तो रेडियस कम होगा, रेडियस कम करने के लिए सिलेरी मसल्स को यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस लेंस को दबाया जा रहा है, ठीक है, जिससे ये जो रेडियस है वो आपका डिक्रीज हो,
आप समझ रहे हो ना, जितना ज्यादा कर्व होगा रेडियस उतना कम होता है, और जितना कर्व कम है रेडियस उतना ज्यादा। ठीक है, इसका रेडियस जो है वो आपका कम है और इसका जो रेडियस है दैट इज ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हो आई में एक पावर, एक ताकत है, या यूं कह सकते हो कि सेलेरी मसल्स जो है वो यहाँ पे हमारे रेडियस को, लेंस के रेडियस को, या इन शॉर्ट फोकल लेंथ को, या हम पावर भी कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों, फोकल लेंथ से पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज पावर डिक्रीजेस, दिस इम्प्लाइज पावर इंक्रीजेस। और पावर को बढ़ाने में आंखों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उस समय आंखें जो है हमारी स्ट्रेन होती है। ठीक है, मतलब सेलेरी मसल्स जो है वो मेहनत कर रहे हैं आंखों को कि भाई इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म हो, उसके लिए जो है वो लेंस का शेप साइज चेंज कर रहे हैं, तो उस समय आंखें जो है वो स्ट्रेन में है। ठीक है, तो याद रखना जब भी पावर ज़्यादा है मतलब आंखें स्ट्रेन। पावर ज़्यादा का मतलब क्या है कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर नज़दीक में है, ठीक है, तो रे अगर ऐसे जाती है और वो नॉर्मली अगर ऐसे जाना चाहे, ठीक है, इस साइड या ऐसे, पर रेटिना हमारा अगर मान लो इधर है, तो आंख को अपना लेंस का शेप साइज चेंज करना पड़ेगा जिससे रे इधर कन्वर्ज हो। मतलब हम ज़्यादा कन्वर्ज करवा रहे हैं रे को रैपिडली, और रे को कन्वर्ज करवाना ज़्यादा मतलब पावर, एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज रेज इज पावर। तो ज़्यादा कन्वर्ज करवा रहे हैं मतलब हम लोग पावर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय आईज जो है वो हमारी स्ट्रेन में होती है, जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है हमारी आईज जो है वो रिलैक्स्ड होती है। ठीक है बच्चों, आप लोग कभी भी जो है हिल स्टेशन वगैरह पर जाते हो तो आप लोगों को जो है एकदम मज़ा आता है वहाँ पे, समझ रहे हो, दूर दूर की चीज़ें आप लोग देख देख के खुश होते हो अंदर अंदर। ठीक है, तो उस समय आईज भी खुश होती है। ठीक है, और नज़दीक की चीज़ें होती है जैसे बुक्स वगैरह आप लोग पढ़ते हो तो आइस जो है वो स्ट्रेन में होती है, और फिर आप लोग थोड़ी देर में थक जाते हो। ठीक है, तो ये है हमारी आंखों का कमाल कि हमारी आंखों में जो है इस तरह का एक फंक्शन है कि हमारा फोकल लेंथ जो है वो चेंज कर सकती है, पावर चेंज कर सकती है हमारी आइस। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर या नज़दीक होता है। तो अब देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस पे फोकस किया जाए, द लेंस हैज द पावर टू चेंज इट्स फोकल लेंथ सो दैट वी कैन क्लियरली सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेंस के पास ऐसी ताकत है कि वो फोकल लेंथ को चेंज करे ताकि ऑब्जेक्ट का इमेज सिर्फ रेटिना पे ही बने। ठीक है, और कोई जगह नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, व्हेन वी सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल रेज आएगी तो उनको हम लोग रेटिना पे फोकस करवाएंगे, और इस तरीके से हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो दिखता है डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली अलग अलग। ठीक है, अ नॉर्मल आई कैन सी डिस्टिंक्टली एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी विच इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो जो इस चीज को ध्यान से सुनो और इसको याद भी रखो। ठीक है, कि हम अगर हमारी यहाँ पे आंखें हैं तो हमारी आंखें जो है दूर तक कितना देख सकती है, तो इनफाइनाइट तक देख सकती है। ठीक है, इसे हम लोग फार पॉइंट कहते हैं, हमारी आंखों के लिए फार पॉइंट जो है दैट इज इन्फिनिटी, और इन जितना दूर देखना होगा उतनी हमारी आंखें जो है वो रिलैक्स्ड स्टेट में होती है। ठीक है, दैट इज नो टेंशन इन द मसल्स एंड द फोकल लेंथ इज मैक्सिमम। हमें पता है कि लेंस इस स्टेट में आ गया अब, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, रेडियस ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फार पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे नियर पॉइंट के, कम से कम हम कितना देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, हाउएवर व्हेन सी अ नियर बाय ऑब्जेक्ट द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस। जो लेंस फार पॉइंट के केस में ऐसा था, अब उसका कर्वेचर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको हमें रेटिना पे फोकस करवाना है तो हमें लेंस को थोड़ा फोकल लेंथ चेंज करना होगा। तो फोकल लेंथ डिक्रीजेस एंड अगेन अ क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड एट द रेटिना। तो फिर से आंख ने मेहनत करी और हमें रेटिना पे इमेज बनवा दिया। ठीक है, पर इस बार आंखों को थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है।
दिस पावर ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आईज इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ये जो हम लोग जैसे मैं कोई चीज़ दूर जा रही है, पास जा रही है, ठीक है, तो आंखों को मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एबिलिटी या ये पावर जो है फोकल लेंथ चेंज करने का, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को ये पावर को महसूस करना है तो आप लोग जो है अपने फिंगर को अपनी आंखों के सामने रख सकते हो, ठीक है, और उस पर फोकस करो। जैसे आप उस फिंगर पर फोकस करोगे बच्चों, तो बैकग्राउंड जो है वो अपने आप ब्लर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप, और बैकग्राउंड जो है बहुत दूर होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट वाला बैकग्राउंड रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और फिर उस बैकग्राउंड पे फोकस करो, हमारे फिंगर जो है वो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, और उससे आप लोग जो है इमेजिन कर सकते हो अंदर अंदर कि किस तरीके से जो है हम लोग दूर की चीज़ें और पास की चीज़ों को देख सकते हैं, तो हमारी आंखें जो है वो कितनी मेहनत कर रही है। ठीक है, बट एज वी सी मोर एंड मोर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो क्या होता है, एज वी सी मोर एंड मोर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स मोर एंड मोर द पावर ऑफ एकोमोडेशन हैज़ टू बी अप्लाइड, बट देर इज़ अ लिमिट ऑफ अप्लाइंग द पावर ऑफ एकोमोडेशन। ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी कोई चीज़ जैसे हमारी आंखें हैं, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हमें वो एकदम क्लियरली दिख रहा है, पर जैसे 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 ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा हमारी आंखों पे, हमारी आंखें जो है वो लेंस को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। जब आप एकदम नज़दीक लेकर आ जाओगे आंख के एकदम पास, तो आप यूँ समझो आप उसको देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, या बहुत फोकस करोगे तो आपके आँख में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, दुखने लगे, आप उसको फिर एकदम से हटा दोगे सामने से। ठीक है, तो एक डिस्टेंस होता है जिसमें जहाँ तक हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को ढंग से देख सकते हैं, डिस्टिंक्टली देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे जो है फिर हम लोग उसको अच्छे से देख नहीं सकते हैं। तो द नियरेस्ट डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है कि लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग करना, ठीक है, क्लियर रखना। तो आंखों के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हमें क्लियरली नजर आएगा, ठीक है, अच्छे से हमें नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इस डिस्टेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो हमारी आंखों को ढंग से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई के लिए ये डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। द पॉइंट एट द डिस्टेंस डी इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो हमें फार पॉइंट पता चल गया, हमें नियर पॉइंट पता चल गया। मैं दोनों एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, अगर ये हमारी आंखें हैं तो फार पॉइंट जो है दैट इज एट इनफाइनाइट। ठीक है, हमारी आंखें जो है इनफाइनाइट तक चीज़ें देख सकती है अच्छे से, डिस्टिंक्टली। ठीक है, और उल्टा इनफाइनाइट पे जब चीज़ें होती हैं तब हमारी आंखें रिलैक्स्ड होती हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सिलेरी मसल्स आराम कर रहे होते हैं उस समय, समझ लो। ऑब्जेक्ट धीमे धीमे नज़दीक आता है, यहाँ तक आ सकता है। दिस डिस्टेंस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है एज के साथ जो है वो बढ़ता है। ठीक है, मतलब हम फिर नज़दीक से चीज़ें ढंग से देख नहीं पाते। ठीक है, तो जो ओल्ड एज में होते हैं उनको ये डिस्टेंस 30, 35, 40 तक चला जाता है। ठीक है, और छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए डिस्टेंस जो है 20, 15 तक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एज पे भी डिपेंड करता है ये, पर यहाँ पे अगर हम एडल्ट की बात की जाए तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, मतलब ये इसे हम लोग नियर पॉइंट कहते हैं। तो इतनी रेंज में जो है हम ऑब्जेक्ट अगर हो तो हमारी आंखें ढंग से देख सकती है। और आप सोचो कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ कितना भी फास्ट मूव कर रहा है या कहीं पर भी अपनी पोजिशन बना रहा है, हमारी आंखें इंस्टेंटली रेटिना पे इमेज बना देती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे अंदर जो है किस तरीके से फोकल लेंथ को, रेडियस को कंटिन्यूसली चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। ये चीज़ जो है कोई भी, मतलब यूँ समझ लो कितने भी कैमरा बना लिए, DSLR बना लिए, पर आंखें जैसी चीज़ें ये लोग ज़िंदगी में कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हमें हमारी आंखों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए बच्चों। अब हम लोग चलते हैं कि फोकल लेंथ कितना वेरी होता है।
ठीक है, जब हमारा फार पॉइंट होता है और नियर पॉइंट होता है उस दौरान फोकल लेंथ कितना चेंज होता है, पावर कितना चेंज होता है, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्टेंस है दिस इज फिक्स्ड, तो इमेज डिस्टेंस इज प्लस 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज फिक्स्ड। ऑब्जेक्ट अभी फार पॉइंट पे है, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, यू इज माइनस इनफाइनाइट, लेंस इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वन अपॉन एफ इज वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, वी की जगह प्लस 2.5, यू की जगह माइनस इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टर्म हो जाएगा जीरो, वन अपॉन एफ की वैल्यू मिल गई 2.5, यहां से हमें फोकल लेंथ मिल गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो हमारी आंखों का फोकल लेंथ जो होता है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं पावर इज 40 डायोप्टर। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो नजदीक आता है तो ये पावर जो है वो बढ़ता रहता है और फोकल लेंथ जो है वो घटता रहता है। ठीक है, तो कितना होता है नियर पॉइंट पे वो देखते हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, नियर पॉइंट कैपिटल डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट अब 25 सेंटीमीटर पे है, इक्वेशन यूज करेंगे तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम लिया 25, सॉल्व किया, हमारा आंसर आता है 11/25, मतलब वन अपॉन एफ इज 11/25, तो हमें एफ की वैल्यू मिलती है 25/11 सेंटीमीटर, या यू कह सकते हो कि पावर हो गया 44 डायोप्टर। तो अब देखो दिस इज रफली 2.2 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ पहले थी 2.5 सेंटीमीटर फार पॉइंट के केस में, अब फोकल लेंथ है 2.2 सेंटीमीटर नियर पॉइंट के केस में, पावर पहले था 40 डायोप्टर और पावर अभी है 44 डायोप्टर। तो आई की जो एबिलिटी है पावर को या फोकल लेंथ को चेंज करने की, इसे ही हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और आप लोग जो है इसको दिमाग में फिट रख सकते हो या फिर जो है सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा लेंस का फोकल लेंथ जो है वो चेंज होता है, आई लेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकेंड पोर्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज विजुअल एंगल। बच्चों ध्यान से सुनो, अभी हमने जो चीजें पढ़ी उसमें हमारे लिए काम की जो चीज है दैट इज फार पॉइंट नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिविजन जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप ये चीज समझ जाओ कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिविजन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हमें क्लियरली नजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो उससे बाहर है तो ही हमें क्लियरली नजर आएगा, डिस्टिंक्टली नजर आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे विजुअल एंगल की, ये सेकेंड एस्पेक्ट है। फर्स्ट हो गया हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। विजुअल एंगल क्या होता था, एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट आर आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। बच्चों जो मैं आप लोगों को बोलता हूं आपका पूरा फोकस वहां होना चाहिए, ना कि आप ये डायग्राम देख रहे हो और ये रीड कर रहे हो, इस पे जरा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप जो है ढंग से स्टडी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को समझो, क्या लिखा है यहाँ पे, द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट आर आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आंखें हैं, तो रे यहां से एक आ रही है, एक रे ऐसे मान लो, ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट जो है जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। और सेम ऑब्जेक्ट को हम धीमे 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 शिफ्ट करके जब नजदीक लाते हैं तो हमारा एंगल जो है वो बढ़ जाता है, और जितना एंगल ज्यादा होता है उतना हमें ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आता है। यहाँ पे देख सकते हो, इन ऑर्डर टू सी एन ऑब्जेक्ट बिगर एंड डिस्टिंक्ट द विजुअल एंगल शुड बी इंक्रीज्ड। अब आप सोच रहे होगे कि सर जो ये ऑब्जेक्ट है अभी भी यहाँ पे इतना ही है और ये नजदीक आने के बाद भी इतना ही है, तो ये ऑब्जेक्ट उतना है, उसका इमेज तो बढ़ेगा ना, समझ रहे हो, जब आंख का जो फोकस है उसके अंदर लेकर आएंगे तो इमेज तो मैग्निफाइड होगा। और वैसे भी बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हमने देखा, जैसे कोई दूर की चीजें होती है जब आप दूर देखते हो तो आपको पेड़ छोटे नजर आते हैं, जब वही पेड़ नजदीक आ जाते हैं तो आपको पेड़ बड़े नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका पेड़ है, ठीक है, इसके ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट अब आपकी आंखों में जो एंगल बना रहा है दैट इज क्वाइट लार्ज।
तो विजुअल एंगल बढ़ गया, विजुअल एंगल बढ़ गया मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए बड़ा हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। और नॉर्मल अभी फोकस के अंदर लाने की कोशिश मत करना, ठीक है, वरना यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑब्जेक्ट नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बाद आपको चीज़ें नज़र नहीं आती है, ठीक है, ढंग से। तो अब इसको हम लोग जो है थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ध्यान दो बच्चों यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे दो डॉट्स हैं, ठीक है, इसको अगर मैं देख रहा हूँ, मैंने जानबूझ के अभी थोड़ा इसको जूम आउट किया है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मुझे ये एक डॉट नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी एक बड़ा डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं नॉर्मल जो हमेशा जूम पोजीशन रहती है वो रखता हूँ, तो अभी भी देख रहे हो तो कोई ज़्यादा सिचुएशन जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमारी आँखों से जो रेज आ रही है वो हमें कह रही है कि ये एक ही पॉइंट है और ये जो है वो भी एक बड़ा डॉट है, ये छोटा डॉट है। अब ध्यान देना इसको, मैं यहाँ पे इसके पीछे क्या है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैक्सिमम जूम कर दिया मैंने, चार डॉट है बीच में एक छोटा डॉट है। अब आपको ये चार डॉट और पांचवा बीच में छोटा डॉट सब नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे जो है बीच में क्रूकेड लाइंस है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट लाइन भी है। ये सब चीज़ें आपको नज़र आने लग गई अभी, क्यों नज़र आने लगी, क्योंकि अब जो ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर वाला पॉइंट और इसके नीचे वाला पॉइंट, या यूँ कह सकते हो जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये बीच वाला जो पॉइंट है इसके बीच में जो सेंटर में पॉइंट है वो भी अगर आपको नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर वाला पॉइंट और उसके नीचे वाला पॉइंट हमारी आंखों में जो एंगल बना रहा है, समझ रहे हो, ये एंगल जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा है। 1 मिनट समझते हो बच्चों, 1 मिनट इज 1 डिग्री का 60th भाग, या यूं कह सकते हो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, तो 1 मिनट हो जाता है 1 डिग्री का 60th पार्ट। इससे एंगल अगर कम होता है तो हमारी आंखें देख नहीं सकती, ठीक है। तो अब ये एंगल जो है वो बढ़ गया, आप समझ रहे हो, जैसे जैसे चीज़ें नज़दीक आती है तो एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो विजुअल एंगल जब बढ़ता है तो हमें चीज़ें जो है वो बड़ी नज़र आती है, ठीक है। फिर से मैं इसको जूम आउट करता हूँ, नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमें फिर से यहाँ पे ये चीज़ जो है वो एक पॉइंट की तरह नज़र आ रही है, और इसका मतलब ये है कि अब जो यहाँ पे चार पॉइंट्स थे इस तरीके से और बीच में एक पॉइंट था, ये जो अब एंगल बना रहे हमारी आंखों में, मतलब यहाँ से रे और यहाँ से रे जो अब हमारी आंखों में जा रही है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, समझ रहे हो, ये एंगल यहाँ से भी कुछ रेज जा रही होगी तो ये एंगल बड़े छोटे हो गए, 1 मिनट से कम हो गए, तो हमको जो है यहाँ पे मैं इनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, अलग अलग बता नहीं सकता हूँ कि अलग अलग है, मेरे को लग रहा है एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो इसीलिए एंगल बड़ा होना चाहिए ताकि हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को ढंग से डिस्टिंक्टली बड़ा देख सकें, ठीक है। तो एंगल बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल बढ़ाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला सकते हैं हमारी आँखों के, जिससे विजुअल एंगल बढ़ जाए, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी बच्चों, फर्स्ट चीज़ हमने पढ़ी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, सेकंड चीज़ हमने पढ़ी विजुअल एंगल। विजुअल एंगल कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है जितना नज़दीक आ सके, ठीक है, नियर टू द आई, उतना विजुअल एंगल बढ़ेगा, उतना हमें ऑब्जेक्ट बड़ा और डिस्टिंक्ट नज़र आएगा। पर एक यहाँ पे भी रुकावट है लीस्ट डिस्टेंस, कि भाई 25 सेंटीमीटर से अंदर हम नहीं ला सकते, समझना है। तो हमें जो है इन दोनों में तालमेल बिठाना पड़ेगा कि भाई तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहें, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है
और ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रीमली स्मॉल बताया मैंने, ठीक है। जैसा अभी हमने एक केस देखा था, ऑब्जेक्ट एक्सट्रीमली स्मॉल है, ठीक है। अब अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट को मैं नज़दीक लेके आता हूँ, मैं एक केस यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जो एंगल, विजुअल एंगल है, वो सेकेंड केस में बढ़ गया है, थर्ड केस में विजुअल एंगल और बढ़ गया है, फोर्थ केस में विजुअल एंगल और ज़्यादा हो गया, ठीक है। दिस इज थीटा टू, दिस इज थीटा थ्री, दिस इज थीटा फोर, विजुअल एंगल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब सपोज ये जो डिस्टेंस है आंखों से, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कितना डिस्टेंस है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो देखो यहां पे ये दो केस में भले ही विजुअल एंगल बढ़ गया हो, पर क्योंकि डी डिस्टेंस से कम में ऑब्जेक्ट है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट ढंग से नजर नहीं आएगा। तो मतलब ये जो दो केस हैं वो हमारे लिए कुछ काम के नहीं है। ये जो केस है इसमें आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस से दूर है, ठीक है, मतलब वो हमें अच्छे से नजर आएगा, पर विजुअल एंगल यहाँ पे छोटा है, जो थीटा वन विजुअल एंगल बन रहा है वो कम है, तो ये भी हमारे काम की चीज नहीं है। बेस्ट कंडीशन कौन सी हो सकती है जिसमें हमारी आंखों को बेस्ट चीज नजर आए, मतलब विजुअल एंगल भी अच्छा है और वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से पास में भी कम भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द परफेक्ट पोजिशन कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और स्पेशली एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर हो तो वो इस पॉइंट पे होना चाहिए ताकि हम उसे मैक्सिमम जितना हमारी आंखें ढंग से देख सकती है वो देख ले। अगर यहाँ पे भी हमें चीज़ ढंग से नजर आ रही है, मतलब हमारी आंखें जो है वो अब इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो केस है, आप देख सकते हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और उसको हम डी डिस्टेंस पर रखा है, हमारा एंगल जो है विजुअल एंगल है वो भी मैक्सिमम है, ठीक है। उसके आगे हम लोग रखेंगे, एंगल भले बढ़ जाएगा पर हमें वो ऑब्जेक्ट ढंग से नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो केस है, दिस इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल विच इज पॉसिबल फॉर एन अनएडेड ह्यूमन आई, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट हमें ढंग से नजर भी आ रहा है, विजुअल एंगल तो और भी बढ़ा सकते हैं पर बाद में ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा ढंग से, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम विजुअल एंगल विच इज पॉसिबल फॉर एन अनएडेड। अनएडेड का मतलब है कि हमने सिर्फ नॉर्मल आइज रखी है और उसमें हमने किसी और भी इंस्ट्रूमेंट का हेल्प नहीं लिया है, ठीक है, किसी भी चीज़ की मदद नहीं ली है। तो दिस इज अनएडेड ह्यूमन आई। तो ये एंगल कितना है? तो ये एंगल हो गया हमारा एच बाई डी, बिकॉज थीटा व्हेन इट इज वेरी स्मॉल तो हम उसको टेन थीटा ले सकते हैं, टेन थीटा इज एच बाई डी। और ये थीटा स्मॉल ही है क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के दिमाग में फिट होनी चाहिए बच्चों, ये डायग्राम जो है आप लोगों को फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब बच्चों मान लो कि ये जो एंगल है थीटा नॉट, ये एंगल भी लेस देन 1 मिनट है। इफ थीटा नॉट विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल विजुअल एंगल, दिस इज ऑल्सो लेस देन 1 मिनट, मतलब हमारी आंखें जो है अभी देख नहीं सकती उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अगर हमारी आंखें उसको ढंग से देख नहीं सकती तो हमें किसी ना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अब पिक्चर में आएगा दैट इज माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में भी हम लोग सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी, समझ रहे हो? हमारी आंखें जो है वो खुद लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी एक लेंस है, हमारी आंखें बहुत अच्छा काम कर रही है। पर ऑब्जेक्ट जब बहुत ज़्यादा छोटा है जिसमें हमने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत मतलब हम उसको डी डिस्टेंस पे लेके आ गए
और हमने उसका विजुअल एंगल भी मैक्सिमम कर दिया, पूरी ताकत लगा दी, फिर भी अगर हमारी आंखों को नहीं दिख रहा है तो हमें बट ऑब्वियस अब किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। इंस्ट्रूमेंट आगे करेगा क्या? इंस्ट्रूमेंट आगे क्या करेगा? तो वो विजुअल एंगल बढ़ाएगा, क्योंकि विजुअल एंगल जो है अभी 1 मिनट से कम है, हमारी आंखें देख नहीं सकती, तो विजुअल एंगल बढ़ेगा तभी हमारी आंखें उसको देख सकती हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो अभी जो मैंने आपको कहा वो यहाँ पे लिखा है, इसको एक बार अच्छे से रीड करते हैं। देखो, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सबटेंड वेरी स्मॉल विजुअल एंगल ड्यू टू दैट स्मॉलनेस। ठीक है, वो छोटे हैं इसकी वजह से बहुत छोटा विजुअल एंगल बनाते हैं। वी कैन इंक्रीज द एंगल बाय ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर, बट वी कैन नॉट डू बियॉन्ड डिस्टेंस डी, बिकॉज देन द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी सीन डिस्टिंक्ट। डी डिस्टेंस से अगर और आगे लेके आएंगे तो विजुअल एंगल तो बढ़ेगा पर हमें क्लियर नजर नहीं आएगा। तो इफ विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर लेंस अ लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, देन दिस इमेज विल सबटेंड अ लार्ज एंगल एट द आई एंड द ऑब्जेक्ट विल अपियर बिग। अब हमें वो ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा तो हो गया हमारा काम, विजुअल एंगल बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आ गया तो हमें दिख गया। तो माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले लिखा है कि ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच फॉर्म्स लार्ज इमेज ऑफ क्लोज एंड माइनूट ऑब्जेक्ट। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो है वो लार्ज इमेज बनाता है। कैसे या यूज क्या है उसका? तो सबसे पहले जैसे वॉच मेकर्स, जब वॉच का आपने सेल वगैरह भी देखा होगा तो वो सेल भी कितना छोटा होता है, वो सेल छोड़ो उसके अंदर जो और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट, बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो आँख के ऊपर एक लेंस ये लगा के रखता है, एंड दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर ज्वेलरी में बारीकी से काम करना है, डिज़ाइन बनानी है, फिंगरप्रिंट्स, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्लास के ऊपर फिंगरप्रिंट्स लगा लो तो आप नॉर्मल आई से जो है उनको स्टडी नहीं कर पाओगे ढंग से, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ ले सकते हैं। पाम लाइंस, हाथ की रेखाएं पढ़नी है। ठीक है भाई साहब, ऐसे ऐसे करते कि नहीं करते? क्या है वो? सिंपल माइक्रोस्कोप। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है हम लोग नॉर्मल आई से भी ले सकते हैं और आप सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हो। सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप इज सिंपली अ लेंस, एक ही लेंस है और कुछ नहीं है, इसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल है? तो प्रिंसिपल ये है कि लिख देता हूं मैं आपको प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि जो इमेज है वो इस साइड फॉर्म होती है, दैट इज मैग्नीफाइड, लार्ज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, अ मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस। तो बस यही बेसिक प्रिंसिपल है और हमें जो है वो मैग्नीफाइड इमेज ही चाहिए। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं वो पेपर वगैरह रीड करते हैं तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके ही पेपर रीड करते हैं, तो वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में उस पेपर को लेकर आते हैं तो जिससे उसका मैग्नीफाइड इमेज बनता है। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल जिस पे सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। अब हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसे कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ उसी पे ध्यान देना, इधर उधर रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर को हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहेंगे। बच्चों, आप लोगों को जब मैंने लेंस का मैग्नीफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने 3 टाइप्स बताए थे, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल और एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और मैंने कहा था कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन को हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर का एक एक कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो गारंटी है, ध्यान देना।
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एट द आई। जो इंस्ट्रूमेंट इमेज बना रहा है वो आई के ऊपर क्या एंगल बना रहा है। टू, द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। और ऑब्जेक्ट जो है वो अनएडेड, अनएडेड मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, नेकेड आईज कह सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर जो एंगल बना रहा है, इन दोनों एंगल्स का जो रेशियो है दैट इज मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एंगल कितना मैग्नीफाइड हुआ है। पहले हमारा एंगल इतना था, अब इतना हो गया, तो कितना मैग्नीफाइड हुआ, तो उनका रेशियो, ठीक है। ये ध्यान रहे, देखो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम लीस्ट डिस्टेंस पे रखते हैं तब जो एंगल बनेगा वो यहां रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां पे h है, तो हम यहां पे भी h लिख देते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, हाइट ऑफ द इमेज इज से hi, और इमेज डिस्टेंस इज v, ठीक है मान लो। अब देखो जो एंगल फॉर्म हो रहा है, जो इमेज, ये इमेज, ठीक है, आई के ऊपर मतलब ऑप्टिकल सेंटर ले सकते हो, ये पॉइंट के ऊपर जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज से थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। तो हमें थीटा और थीटा नॉट का जो रेशियो है दैट इज आवर मैग्नीफाइंग पावर, तो मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट, ठीक है। ठीक है, तो देखो थीटा क्या है, अगर ये एंगल जो है वो स्मॉल है तो थीटा को मैं 10 थीटा लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 10। तो मैं चाहूँ तो इसको एच आई अपॉन वी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको एच अपॉन यू लिख सकता हूँ, ठीक है। पर मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं एच अपॉन यू लिखूँ, और उसका रीज़न जो है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। तो दिस इज इक्वल टू 10 थीटा अपॉन 10 थीटा नॉट, 10 थीटा इज एच अपॉन यू, एंड 10 थीटा नॉट, 10 थीटा नॉट इज एच अपॉन डी। तो ये एच एच कैंसिल हो जाए, इसीलिए हमने जो है ये छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डी अपॉन यू। तो मैग्नीफाइंग पावर हमें मिल जाता है डी अपॉन यू, सिंपल है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ध्यान सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब अगर हम चाहते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़े, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, हम यू को चेंज कर सकते हैं, समझ रहे बच्चों, ध्यान सुनना, अगर हम चाहते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़े तो हम यू को कम करेंगे, क्या करेंगे, कम, और मैग्नीफाइंग पावर अगर हमें घटाना है तो हम यू को बढ़ाएंगे। तो ये है हमारा लेंस, ये है फोकस, हमारा अभी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, और ये है यू, ठीक है। इमेज अभी यहां पे बन रहा था, कितने डिस्टेंस पे, इमेज बन रहा था वी डिस्टेंस पे, ठीक है। पहले मैं बात करता हूं मैग्नीफाइंग पावर को घटाने की, मैग्नीफाइंग पावर हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग डिक्रीज करने के लिए हमें यू को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यू को बढ़ाने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को इधर ले जा सकता हूँ, इधर ले जा सकता हूँ, इधर ले जा सकता हूँ, इधर नहीं ला सकता मैं, क्यों, क्योंकि मैं जैसे ही इधर लाऊंगा तो मुझे इस साइड इमेज मिल जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और मुझे मैग्नीफाइड इमेज की ज़रूरत है, समझ रहे हो, और मेरी आंखें यहाँ पर है। तो फोकस से हम दूर ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, ठीक है बच्चों,
ठीक है, तो देखो अब केस कौन सा बचता है, ध्यान देना। जो मैक्सिमम मैं ऑब्जेक्ट को दूर ले जा सकता हूँ वो है यहाँ से लेके इतना, फोकस पे ला कर रख देता हूँ। फोकस पे ला कर रख दूंगा तो इमेज कैसे बनेगा, तो एक रे यहाँ से जाके ऐसे जाएगी और एक, सॉरी सॉरी, हाँ ऐसे आके ऐसे जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, ये दोनों रेज जो है वो इनफाइनाइट पे मीट करेंगे। हमें इनफाइनाइट पे हमारी आंखें एकदम रिलैक्स होगी और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट भी नज़र आएगा, ठीक है। पर मैग्नीफाइंग पावर जो है कम हो गया। क्यों कम हो गया बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे, देखो बताता हूँ। मैग्नीफाइंग पावर इज थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट तो कॉन्स्टेंट हो गया, हमारी आंखें जितना देख सकती थी हमने देख लिया, दिस इज फिक्स, इससे ज़्यादा हम चेंज नहीं कर सकते। मैग्नीफाइंग पावर कम करना मतलब थीटा कम कर दो। थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे दूर लेके जाओगे ये थीटा कम होगा, और ऑब्जेक्ट को हम लोग मैक्सिमम दूर ले जा चुके हैं, कहाँ पे रख दिया हमने, फोकस पे, तो दिस इज द मिनिमम थीटा, समझ रहे हो, या यूं कह सकते हो कि दिस इज द मैक्सिमम यू विच इज एफ, ठीक है। तो हम यू की जगह अगर हम एफ रख देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, फिर से हमारा ये लेंस है और ये यू है और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, दिस इज वी। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने की, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर को हमें बढ़ाना है मतलब हमें यू को घटाना है, सुनते जाना बच्चों, यू को कम करना है। तो यू को कम करना है तो हम यू को इधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, विजुअल एंगल भी हमारा बढ़ेगा मस्त, ठीक है। जीरो कर दिया हमने यू को, क्या कर दिया, जीरो कर दिया। यू को जीरो कर देंगे तो हमारा वी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो इमेज है वो धीमे धीमे वो भी शिफ्ट हो रहा है ऐसे, समझ रहे हो, भले वो और भी मैग्नीफाइड हो रहा होगा, ठीक है, पर वो धीमे धीमे इधर शिफ्ट हो रहा है और फिर वो जीरो हो जाएगा। पर बच्चों हम वी को कितना कम कर सकते हैं, हमारी जो आंखें यहाँ से बैठे बैठे देख रही है, हम नहीं चाहते कि इमेज हमारी आंखों के एकदम नज़दीक आ जाए क्योंकि हमें फिर दिखेगा नहीं, तो हम चाहते हैं कि वी की वैल्यू हो जाए डी, उससे कम अगर होगा तो हमें वो नज़र नहीं आएगा। मतलब हम ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग आंखों के एकदम नज़दीक नहीं ले जा सकते, हम इस ऑब्जेक्ट को इतना ही ले जा सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म हो वो डी डिस्टेंस पे हो बच्चों, समझ में आया, उससे ज़्यादा हम इसको नज़दीक नहीं ले सकते, ठीक है। चलो इन दोनों ही केस को हम लोग जो है ढंग से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा फार पॉइंट, ठीक है। फार पॉइंट का मतलब है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन दिस पोजिशन द आई इज मोस्ट रिलैक्स्ड, ठीक है। तो देख सकते हो आप ऑब्जेक्ट जो है वो एफ डिस्टेंस पे आ गया है। तो अब यहाँ पे अगर हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे, देखो हमने मैग्नीफाइंग पावर पढ़ा, अब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर पढ़ रहे हैं दो अलग अलग केसेस के लिए, फार पॉइंट और नियर पॉइंट के लिए, या यूं कह सकते हो कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज मिनिमम, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर की यहाँ पे बात हो रही है, या मैं अभी सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर लिखता हूँ और फिर मिनिमम लिखूंगा। तो मैग्नीफाइंग पावर विच इज डी बाई यू वो अब हो जाएगा डी बाई एफ, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया, तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ हो गया, दिस एंगल इज द मिनिमम एंगल, ठीक है। जो विजुअल एंगल है, जो इमेज बना रहा है, अब ये इमेज इनफाइनाइट पे, पर वो जो एंगल बना रहा है वो मिनिमम है, ठीक है। तो ये हो गया डी बाई एफ, मैग्नीफाइंग पावर हो गया, एंड दिस इज द मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ, याद रखना है इसको, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ। इमेज इन्फाइनाइट पे है तो हम इसको इन्फाइनाइट लिख देंगे, यू हमारा एफ है तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ, और एफ, सॉरी एक सेकेंड, तो
तो वन अपॉन यू इज़ वन अपॉन एफ, तो यहाँ पे हम लोग ये वन अपॉन यू की जगह वन अपॉन एफ रखेंगे तो हमें मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा, दैट इज़ वन बाई एफ। ठीक है, तो आप जैसा भी खुद से करना चाहो वैसे कर सकते हो, पर आप ये भी याद रख सकते हो, कभी भी दिमाग में फिट रख लो कि इन केस ऑफ नॉर्मल आई या इन केस ऑफ फार पॉइंट या व्हेन द इमेज इज एट इनफाइनाइट, यू इज इक्वल टू एफ और वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ। अब हम बात करेंगे नियर पॉइंट की। ठीक है, तो नियर पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को ऐसे डिस्टेंस पर रख सकते हैं कि इमेज जो है वो डी डिस्टेंस पर बने। इससे ज़्यादा अगर हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेकर आएंगे तो इमेज भी नज़दीक आएगा, डी डिस्टेंस से कम में हमें इमेज ढंग से नज़र नहीं आएगा। बच्चों जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें सिर्फ ये नज़र आता है, हमें ये नज़र नहीं आता, समझ रहे हो? आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चीज़ देखते हो तो आपको सीधा मैग्नीफाइड व्यू दिखता है, ऐसा नहीं कि वो छोटा भी दिखता है बड़ा भी दिखता है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें सिर्फ ये दिखता है, तो अगर हमें ये डी डिस्टेंस पे दिख रहा है तो ठीक है, अगर ये डी डिस्टेंस से कम में दिखेगा तो हमें दिक्कत होगी, ढंग से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो वी नो दैट द मैग्नीफाइंग पावर इज डी बाई यू, और इस केस में कितना हो जाएगा, तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से लिखते हैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ। इमेज जो है डी डिस्टेंस पे फॉर्म हुई है, ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दिस इज वन अपॉन एफ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डी बाई यू की जगह हो जाएगा डी वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी, विच इज इक्वल टू टी बाई एफ प्लस वन। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ठीक है, सो द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इज दिस। तो सिर्फ वन का अंतर है, मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर में सिर्फ वन का डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को भी, और ये आप याद रख सकते हो कभी भी कि जब भी नियर पॉइंट की बात हो, नियर पॉइंट का मतलब है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी, तो जब भी नियर पॉइंट की बात हो तो आप ये याद रख सकते हो कि वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी, एकदम याद रख सकते हो। ठीक है, और फार पॉइंट के लिए आप याद रख सकते हो वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ, तो जब भी वन अपॉन यू दिखे वहाँ पर वन अपॉन एफ रख दो। या फिर तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी बच्चों, एक कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि किस तरीके से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं, और फिर यू जो है वो क्यों हमारा ऐसी पोजीशन पर होता है जहाँ पे इमेज डी डिस्टेंस पर बनता है, और फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि मिनिमम अगर मैग्नीफाइंग पावर आपको करना है तो इस एंगल को बढ़ाना पड़ेगा, और मैक्सिमम हम इसको एफ पे ले जा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यू इज एफ। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया ख़त्म, और अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो उसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है, सिंपल माइक्रोस्कोप से काम नहीं हो रहा था क्या? तो वाकई में नहीं हो रहा था, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी कुछ चीज़ें हम लोग नहीं देख पा रहे थे जो अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान दो, हमारा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना है सिंपल माइक्रोस्कोप से, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इज डी बाई एफ प्लस वन। जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो फोकल लेंथ कितना हो सकता है, जैसे 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मिनिमम अगर हम लोग करें तो 2.5 to 3 सेंटीमीटर जितना कर सकते हैं, ठीक है, या 2 भी ले लो, ज़्यादा हो जाएगा पर चलेगा। तो अब देखो 10 सेंटीमीटर के केस में क्या हो जाएगा, d इज 25, ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 25, 25 अपॉन 10 दैट इज 2.5 प्लस 1 3.5, कितना मैग्नीफाइड हुआ, एंगल कितना मैग्नीफाइड हुआ, 3.5 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें 2 रख के देखें तो 25 बाई 2 दैट इज 13, 13 प्लस 1 अप्रॉक्सीमेटली प्लस 1 इज 14, तो एंगल इज 14 टाइम्स मैग्नीफाइड। पर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इतना छोटा हो कि हमें 14 टाइम्स मैग्नीफाइड एंगल मैग्नीफाइड करने के बाद भी नहीं दिख रहा, जैसे मान लो कीटाणु वगैरह जो होते हैं हमारे हाथों में या सेल्स वगैरह होते हैं वो हमें नहीं दिखते,
ठीक है, आप ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास ले लोगे तो आप सिर्फ जो है रीड कर पाओगे हाथ की लकीरें, पाम लाइंस, ठीक है, पर आपको थोड़ी दिख जाएगा, सेल्स वगैरह थोड़ी दिख जाएंगे। तो अगर हम सेल्स वगैरह भी देखना चाहते हैं तो फिर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। तो इट इज़ यूज टू सी इवन दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी क्लियरली सीन बाई द सिंपल माइक्रोस्कोप। प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल यह है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये दो लेंस होते हैं इसमें। एक लेंस जिसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा लेंस जिसके सामने हम लोग हमारी आंखें रखते हैं, दिस इज कॉल्ड आई पीस लेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ये है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके सामने एफ और 2F के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि हमें मैग्नीफाइड और रियल इमेज मिले। और अगर ये इमेज जो पहले लेंस से बनी है ये इसके फोकस के अंदर होगी तो हमें मैग्नीफाइड इमेज सेम साइड में मिल जाएगी। तो हमने डबल मैग्नीफिकेशन किया, एक बार इससे मैग्नीफाइड किया इस लेंस से और एक बार इस लेंस से मैग्नीफाइड किया। ठीक है, तो हमारा जो है डबल मैग्नीफिकेशन हो रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप से सिर्फ एक ही बार हो रहा था। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन एफ एंड 2F ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अ मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज ऑब्टेन्ड इफ दिस इमेज लाइज विद इन द फोकस ऑफ आई पीस लेंस देन अगेन अ मैग्नीफाइड मैग्नी फील्ड हो जाइए इमेज इज ऑब्टेन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो बच्चों यहां पे डबल मैग्निफिकेशन तो हो गया है पर यहां पे आप देख सकते हो कि इमेज हमें उल्टा मिल रहा है। ठीक है, पर आपको पता है कि जैसे सेल्स वगैरह होते हैं वो वैसे ही गोल होते हैं। ठीक है, तो उनका इमेज उल्टा भी होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें कोई इंसान तो देखने नहीं है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज जो है उल्टा करता है पर दो बार मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पे, तो दिस इज द प्रिंसिपल। अब हम इसके मैग्नीफाइंग पावर के बारे में देखते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो डेफिनेशन दैट इज सेम, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। इमेज कौन सा? तो फॉर्म्ड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इमेज बनाता है। तो बट ऑब्वियस फाइनल इमेज की बात हो रही है, फाइनल इमेज आई पे क्या एंगल बना रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ऑब्जेक्ट को हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रख दिया और वो क्या एंगल बना रहा है? तो ये एंगल और ये जो एंगल है आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये एंगल और ये एंगल का रेशियो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नीफाइंग पावर इज, अगर मैं यहां पे लिखता हूं थीटा, ये एंगल को मैं लिख देता हूं थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा नॉट। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है एच और ये हाइट को मैं लिख देता हूँ एच डैश। ठीक है, मैं यहाँ पे एच डैश या हाँ एच डैश ही लिख देता हूँ। चलो, तो थीटा जो है वो हो जाएगा एच डैश अपॉन ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है यू ई। ठीक है, ये डिस्टेंस इज यू एच डैश अपॉन यू ई, तो दिस इज इक्वल टू 10 थीटा अपॉन 10 थीटा नॉट।
10 theta is h dash upon ue, or 10 theta naught is h upon d. तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इंटू d बाई यू ई. अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन. ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस. तो मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई यू. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v नॉट बाई यू नॉट. तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू. ये हो गया मैग्निफाइंग पावर फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ध्यान से सुनते जाना, ठीक है. अब यहाँ पे क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखेंगे. देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, पहले एंगल ऐसा था, सेकंड एंगल भी इधर साइड ऐसे बड़ा बन रहा था, दोनों एंगल सेम साइड पे थे तो पॉजिटिव. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एंगल जो है वो इस लाइन से ऊपर की तरफ है और दूसरा एंगल जो है वो नीचे की तरफ है. ठीक है, तो एंगल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके वजह से भी नेगेटिव साइन आप लगा सकते हो. या आप ये सोच सकते हो कि इमेज जो है इन्वर्टेड है, उसके वजह से भी नेगेटिव साइन. कोई भी आप रीजन, दोनों करेक्ट है. ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर इज दिस सिंपल माइक्रो सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए. अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब की. ठीक है, ट्यूब लेंथ. तो ट्यूब लेंथ क्या है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँगा. बच्चों को ट्यूब लेंथ में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ट्यूब लेंथ क्या होना चाहिए. ठीक है, बताता हूँ धीमे धीमे पूरा. ठीक है, ट्यूब लेंथ इज, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन the objective lens and eyepiece lens. ये तो हो गया डेफिनेशन. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, आईपीस लेंस ये है, ये डिस्टेंस हमारा ट्यूब लेंथ होता है. दिस इज वी नॉट प्लस यू ई. तो मैं यहाँ पे ट्यूब लेंथ को लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई. ध्यान रहे यहाँ पे भी आप मैग्नीट्यूड में लिखोगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए उन दोनों के बीच का. ठीक है, तो ये ट्यूब लेंथ है. ट्यूब लेंथ जो है वो भी वेरी करेगी फार पॉइंट और नियर पॉइंट के लिए. हम लोग इसको अलग से स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर में. पर मैं आप लोगों को इसमें एक और चीज़ लास्ट में बताऊँगा, जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि बहुत सारी बुक्स में ट्यूब लेंथ जो है वो फोकल प्लेन के बीच का डिस्टेंस गिवन है. तो ऐसा क्यों है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ट्यूब लेंथ हो गई और मैग्नीफाइंग पावर हो गया. अब बच्चों फिर से ये जो एंगल है आप देख सकते हो, मैग्नीफाइंग पावर इज थीटा अपॉन थीटा नॉट. थीटा नॉट कांस्टेंट है. मैग्नीफाइंग पावर को कम करना है तो थीटा को कम करो. ये थीटा को कम करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाऊंगा. ऑब्जेक्ट को मैं यहां तक दूर ले जा सकता हूँ, एफ तक. तो मिनिमम अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर चाहिए तो ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दो, और मैक्सिमम चाहिए तो मैं ऐसी जगह पर रखूंगा जहां पे इमेज जो है वो डी डिस्टेंस पे बनेगा. ठीक है, तो दोनों चीजें हमने अभी पढ़ी थी. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं नियर पॉइंट, जहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसी जगह पर रखा जाए कि इमेज डी डिस्टेंस पे बने. तो दिस इज द मैक्सिमम, यूं कह सकते हो कि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात करने वाले. तो पहले जो मैग्नीफाइंग पावर का हमारा फॉर्मूला आया था वो हम लिख लेते हैं. तो मैग्नीफाइंग पावर इज वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई माइनस के साथ. ठीक है, तो देखो वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप ये याद रख सकते हो कि जब भी नियर पॉइंट वाला केस है तो वन अपॉन यू विल बी इक्वल टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी. ठीक है, और आप अगर यहाँ पे फिर से लेंस की लेंस फॉर्मूला यूज करके फिर से ये इक्वेशन लाना चाहते हो तो ला सकते हो. पर अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यू ई की जगह रख दोगे, दिस इज वन अपॉन यू ई हो जाएगा, वन अपॉन एफ ई हो जाएगा. ठीक है, तो माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी, और वन अपॉन यू ई की जगह मैं लिख दूंगा वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी. ठीक है, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, और ये हो जाएगा वन प्लस डी बाई एफ ई. ये हो गया मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है,
फिर से हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। यहाँ पे टेलीस्कोप नहीं आएगा, माइक्रोस्कोप है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की हम बात कर लेते हैं। बच्चों अभी हमने देखा कि लेंथ ऑफ या ट्यूब लेंथ जो है, वी नो दैट ट्यूब लेंथ इज वी नॉट प्लस यू ई, पर यहाँ पे बात हो रही है नियर पॉइंट की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? नियर पॉइंट। तो हमने मैग्नीफाइंग पावर भी नियर पॉइंट के केस में देखा, और अब हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी देखने वाले हैं नियर पॉइंट के लिए। तो नियर पॉइंट में क्या होता है, तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, नियर पॉइंट में वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। तो आप लेंथ को लिख दो, दिस इज वी नॉट प्लस यू ई की वैल्यू रख दो, दिस इज एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ नियर पॉइंट। आप चाहो तो वी नॉट को भी एफ और यू के टर्म्स में लिख सकते हो, ऑल्सो वन अपॉन एफ इज वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो v हमारा v नॉट है और u हमारा माइनस u है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा वन अपॉन v नॉट इज वन अपॉन एफ नॉट माइनस वन अपॉन u। तो v नॉट की जगह मैं लिख दूंगा, दिस इज एफ नॉट इंटू यू अपॉन u माइनस एफ नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा v नॉट की वैल्यू। तो ये भी आप यहाँ पे चाहो तो सब्सटीट्यूट कर दो, आपको लेंथ मिल जाएगा, और ये वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, इवन ये u नॉट है तो v नॉट अपॉन u नॉट की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो इधर। ठीक है, अगर आपको जो है v गिवन नहीं है तो f गिवन है, तो आप ये इक्वेशन f और u के टर्म्स में जो है वो रख दो। ठीक है, चलो, तो हमने देख लिया कि नियर पॉइंट के केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है और लेंथ कितना होता है। अब हम फार पॉइंट के केस में देखते हैं। तो फार पॉइंट के केस में हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को, जो ये इमेज था, इसको हम दूर लेकर आ गए। पहले हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ये है, ये इमेज पहले यहाँ फॉर्म हो रहा था, अब हम इमेज को दूर लेकर आ गए, तो ये एंगल जो है हमारा कम हो गया। एंगल कम हो गया तो ये हो गया मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितना है हम निकाल लेंगे, उसके पहले हम मैग्नीफाइंग पावर जो हमने पढ़ा है वो लिख देते हैं। तो वी नो दैट मैग्नीफाइंग पावर इज वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, और क्योंकि यू ई जो है वो अब इधर आ गया है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एफ ई। तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। और मैंने आपको वैसे भी याद रखने को कहा था कि वन अपॉन यू इज वन अपॉन एफ इन केस ऑफ नॉर्मल आई या फार पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे यू ई है। ट्यूब लेंथ की अगर हम बात करें तो ट्यूब लेंथ इज वी नॉट प्लस यू ई, और यू ई हमारा हो जाएगा एफ ई, तो ये हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई। अब आप एफ ई की वैल्यू, और सॉरी वी नॉट की जो वैल्यू है, वापस चाहो तो एफ और यू के टर्म्स में लिख सकते हो, वरना ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो थे डिफरेंट केसेस मैग्नीफाइंग पावर के, और अब मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ये यूँ समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों को पूछा आ सकता है। वी नो दैट, और मेरे को याद है आप लोगों को मुझे बताना है कि लेंथ ऑफ ट्यूब को का दूसरा फॉर्मूला जो बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट द मैग्नीफाइंग पावर इज वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। ठीक है, बच्चों ये जो मैग्नीफाइंग पावर है इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़े, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू इंक्रीज
मैग्नीफाइंग पावर, क्या क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले वी नॉट शुड बी मोर, ठीक है, वी नॉट ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारा आईपीस लेंस, और ये ऑब्जेक्ट था और ये इतना था वी नॉट। ये कह रहे हैं कि वी नॉट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये वी नॉट को ज़्यादा करने के लिए हमें फोकस के नज़दीक लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, समझ रहे हो? क्या करना पड़ेगा हमें? फोकस के नज़दीक लाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दैट इज द ऑब्जेक्ट शुड बी कैप्ट नियर द फोकस। फोकस के पास आएगा, और फोकस पे आ जाएगा तो इन्फाइनेट बनेगा, है ना? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये फोकस है, हमने यहाँ रखा है तो इमेज यहाँ बनी है। हम फोकस पे ले आएंगे तो इमेज जो है वो इन्फाइनेट बनेगी। तो फोकस इन्फाइनेट, फोकस के जस्ट पास में लाके हम लोग रख देंगे तो वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ सुनना ध्यान से, ठीक है, यू नॉट शुड बी लेस। अगर हम मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, यू नॉट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये यू नॉट कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। यू नॉट कम होना चाहिए। यू नॉट का मतलब, कम होने का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट शुड बी कैप्ट नियर द लेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है। बच्चों देखो, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है ऑब्जेक्ट। मैं उसको नियर लाके क्या चिपका दूँ? फोकस से तो अंदर नहीं ला सकता ना। फोकस के अंदर लाऊंगा तो इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मतलब मैं इसको पास में ला ला के भी फोकस के पास ही ला सकता हूँ, मतलब जो भी हमने फर्स्ट केस पढ़ा वैसी, ठीक है। पर एक चीज़ हो सकती है कि ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले जाने का एक और तरीका है कि ये जो फोकस है वो नज़दीक हो तो बढ़िया, मतलब जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो बहुत छोटी होनी चाहिए। समझ में? यू नॉट शुड बी लेस, दैट इज ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट नियर द लेंस, बट वी कैन नॉट कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। हम उसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं रख सकते, वरना हमें जो है रियल इमेज नहीं मिलेगा। दैट इज टू डिक्रीज द डिस्टेंस, दैट इज टू डिक्रीज द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ, या टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर भी लिख सकते हो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी स्मॉल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि क्यों ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये रीज़न लिख देना कि भाई मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए, और मैग्नीफाइंग पावर कैसे बढ़ेगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। दूसरा, आपको ऐसे भी पूछा सकता है कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करें, तो आपको ये लिखना होगा कि भाई फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी स्मॉल, और ये भी लिख देना वन और फर्स्ट पॉइंट जो बताया वो। थर्ड चीज, मैग्नीफाइंग पावर का हमने फॉर्मूला ये भी देखा है, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई इन केस ऑफ नॉर्मल आई, या ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट उस केस में, ठीक है। तो अब देखो, टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर अगर हमें बढ़ाना है, एफ ई शुड बी लेस। इसका मतलब ये हो गया कि आई पीस का भी फोकल लेंथ कम होना चाहिए। समझ में बच्चों? दैट इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ऑल्सो शुड बी स्मॉल।
दोनों का छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंस का भी फोकल लेंथ कम होना चाहिए, आईपीस का भी कम होना चाहिए, ठीक है। पर ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा आईपीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में ऐसे पूछे जा चुके हैं कि जिसमें वैल्यूज़ गिवन है और आप बोलोगे कि कौन सा फोकल लेंथ या कौन सा पावर लेंस का बेस्ट रहेगा माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर आईपीस लेंस के लिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। एक तो फोकल लेंथ जितने कम हो उतना बढ़िया, तो सबसे फोकल लेंथ कम हो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस के यूज़ कर लेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा हो तो दैट इज़ फॉर आईपीस लेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अब मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, और वो ये है कि लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में लेंथ ऑफ ट्यूब जैसा कुछ नहीं होता है, एक ही लेंस है, ठीक है। तो हमने इक्वेशन देखी बच्चों, इक्वेशन थी दिस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू ई, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनना, मैग्नीफाइंग पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर जिसका फॉर्मूला है वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई यू ई, बहुत सारी बुक्स में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो है वो ये गिवन है, दिस इज एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई, और फिर डायरेक्ट बता दिया गया है कि एफ नॉट और एफ ई कम होगा तब जाके मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये समझो कि ये फॉर्मूला एक अप्रोक्सीमेशन है, और अप्रोक्सीमेशन क्या है यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेशन है या जो अजम्पशन हम लोग ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू वी नॉट। वी नॉट के कंपैरिजन में ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आईपीस लेंस है, ठीक है। इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज वी नॉट, या मैं आपको और नज़दीक बता देता हूँ थोड़ा, आपको और चीज़ें सही रहेगी। मान लो इमेज यहाँ बन रही है एंड दिस इज एफ ई मतलब फोकस फॉर आईपीस, और यह है एफ नॉट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ बन गई, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज वी नॉट, और ये डिस्टेंस जो है दिस इज यू ई, और इतना डिस्टेंस जो है दिस इज एफ ई। तो जो लेंथ होता है ट्यूब का उसको हम लोग ले लेते हैं वी नॉट के बराबर, एफ ई को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब को हम लोग वी नॉट के बराबर ले लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे मैं लेंथ वी नॉट की जगह मैं लिख दूंगा लेंथ। अब यू नॉट के बराबर एफ नॉट क्यों लिखा है, यू नॉट के बराबर एफ नॉट इसलिए हो जाएगा बच्चों क्योंकि हमने अभी देखा इसके जस्ट पहले वाले पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, वी नॉट अगर ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट नियर द फोकस, वी नॉट और यू नॉट शुड बी लेस मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट नियर द लेंस, और लास्ट में लिखा है, खैर इसमें जो है यहाँ पे चीज़ बताई नहीं है, पर यहाँ पे आप देख सकते हो वी नॉट अगर ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट नियर द फोकस। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को, ये फोकस है उसके पास में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो जब फोकल लेंथ कम है, ठीक है, तो हम जो है क्या ले सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब दिस डिस्टेंस एफ नॉट और दिस डिस्टेंस यू नॉट इनको हम लोग अप्रोक्सीमेटली सेम ले रहे हैं। तो यहाँ पे यू नॉट की जगह हम लोग एफ नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी बहुत सारे बच्चे बुक्स में देखते हैं,
ठीक है, और कंफ्यूज हो जाते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, और फिर उनका मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसी अप्रोक्सीमेशन के बेस पे जो लेंथ ऑफ ट्यूब है उसको भी देखो, उसको भी दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस ले लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो है दिस इज एफ नॉट और ये जो है वो एफ ई। फिर से क्लियरली बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है। इसका फोकस यहाँ पे, इसका फोकस यहाँ पे, ये डिस्टेंस को ट्यूब लेंथ ले लिया जाता है, क्योंकि ये एफ ई एंड एफ नॉट आर वेरी स्मॉल, तो जो प्लेन्स होते हैं, जो फोकल प्लेन्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को भी ट्यूब लेंथ कहा जाता है बहुत सारी जगह पे। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, वो एक अप्रोक्सीमेशन है जिसमें हम लोग एफ नॉट और एफ ई को बहुत ज़्यादा स्मॉल मानते हैं। ठीक है, तो बच्चों होप आपको मेरा लेक्चर जो है अच्छा लगा हो और सारी चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है, सब समझ में आया है, तो थम्सअप कर देना और ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, ताकि सब बच्चों के जो है डाउट्स क्लियर हो। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे और रिजॉल्विंग पावर देखेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का कितना होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।